खबर प्रयागराज जनपद से, जहां औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत हल्दी खुर्द मुंगारी प्रयागराज निवासी वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद हारू ने अपनी बेटी सायरा फातिमा 20 वर्ष की शादी फूलपुर थाना अंतर्गत कैथाना में 7 नवंबर 2020 को रीति रिवाज के अनुसार तय की और दोनों पक्षों ने शादी के लिए 29 मई की तारीख को तय किया, जिसके बाद लड़की सायरा फातिमा के पिता पत्रकार मोहम्मद हारू ने शादी के लिए करेली के कन्हैया गेस्ट हाउस को 29 मई 2021 के लिए बुक कराया। शादी की तारीख नजदीक आने पर 28 मई 2021 को पत्रकार मोहम्मद हारू ने लड़की वालों के घर पर दो पिकअप द्वारा दहेज का सामान रात लगभग 9 बजे भिजवा दिया, जिसके बाद देर रात्रि लगभग 1:30 बजे वर पक्ष के मोहम्मद अवसाफ उर्फ आसू और उनके पिता मोहम्मद आजाद ने अचानक लड़की के पिता के पास फोन द्वारा दहेज के रूप में चार पहिया गाड़ी, अपाची बाइक, इन्वर्टर, गैस का चूल्हा, पंखा इत्यादि सामानों की मांग करने लगे, जबकि पत्रकार मोहम्मद हारू ने अपनी लड़की को अपनी हैसियत से अधिक दहेज दिया था और कई दुकानों पर शादी समारोह के लिए जरूरत के सामानों का ऑर्डर भी दे दिया था। लड़का पक्ष के इस तरह के हरकत से पत्रकार मोहम्मद हारून और उनका परिवार आहत में है और न्याय के लिए पुलिस प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। प्रयागराज जनपद से राजीव की रिपोर्ट। सर, हमारे यहाँ ये हमारी बेटी की शादी थी, आज के लिए डेट फिक्स किया गया था और 10 बजे रात को हमने सारा दहेज में जो भी देना था बेटी को अपने, वो हमने दुकान से परचेज किया, सीधा उसको हमने भेज दिया। उसके बाद ये 1:30 बजे रात, हमको लगभग 1:30 बजे रात ही हमको कॉल करते हैं, उसमें सीधा इन्होंने डिमांड कर दिया कि हमें इसमें फोर व्हीलर बाइक में अपाचे और इन्वर्टर और कुछ छोटे आइटम इन्होंने और डिमांड कर दिया। हमने पूछा कि अगर इसमें मान लीजिए हम नहीं दे पाते तो इसके आगे आपको पता है क्या हो सकता है? शादी तय के समय क्या बातें हुई थी और क्या डिमांड था उसका? शादी तय होने के बाद इनका कहना है कि जो मध्यस्थता किया जिसने, उन्होंने कहा था कि हम बहुत कुछ दिलवाएंगे, लेकिन जब हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि हमारा कोई डिमांड नहीं है, उस वक्त इन्होंने कोई डिमांड नहीं किया। तो जो इसमें मिडिल मैन से हमने पूछा कि आपने क्या इनसे कुछ कहा था, मिडिल मैन का भी कहना है कि हमारी इनकी इस टॉपिक पे कोई भी बातें नहीं हुई थी, अब वो सामने बोलने का आज भी तैयार हैं। आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या क्या दिया? हमने अपने तरफ से इनके बड़े आइटम में सब कुछ दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, अलमारी दिया, वॉशिंग मशीन दिया, कूलर दिया, बेड में इनको डबल बेड, सिंगारदान, जो भी हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं, जो हमारी हैसियत के मुताबिक हमने दिया। जेवर भी दिया गया है, जेवर में झुमकी दिया है, इनके घर वालों को टब दिया गया है, चांदी का पायल दिया गया है, उसमें भी दिया है। एंगेजमेंट में आपने पहले कुछ भी दिया है? कितनी धनराशि आप लोगों ने दहेज में वहाँ इस वक्त दिया है? इसमें नियर अबाउट समझ लीजिए कि 5 लाख के आसपास समथिंग है और इंगेजमेंट में भी हमने 1 लाख रुपए कैश, अब बाकी इनके फैमिली को किसी कपड़ा, किसी को चांदी के पायल, किसी के सोने के टप, जो भी हमारी हैसियत थी, हैसियत के मुताबिक हमने काम किया। बारात आपके यहाँ कब आई? बारात हमारे यहाँ आज की डेट में आनी थी, दिन का प्रोग्राम रहा, उसमें भी इन्होंने बारात से पहले बहुत नौटंकी किया। ये हमारा कहना था ये कोविड-19, ये कोविड कर्फ्यू चल रहा था, इसमें जो भी सरकारी गाइडलाइन है गाइडलाइन के मुताबिक ये लाएँ, लेकिन ये अपना मनमानी कर रहे थे जबरियन कि हम इसमें, हमारे पास डीएम की पकड़ है, डीएम पकड़ है, चाहे जो भी हो, ये 212 लाने पे अड़े हुए थे। फोर व्हीलर की डिमांड कब हुई? फोर व्हीलर की डिमांड इन्होंने अचानक हमसे लगभग 1:30 बजे रात की बीती रात को। बारात कब आनी थी? बारात आज दिन में आनी थी, यानी 29 तारीख को। मोहम्मद हारून रहने वाले ये हल्दी खुर मुंगारी कृष्णा प्रयागराज के हैं। बारात फूलपुर से आनी थी। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम आसू उर्फ औसाफ। उनके पिताजी क्या नाम है? मोहम्मद आजाद। लड़की क्या नाम है? सायरा फातिमा। उनके पिताजी क्या नाम है? मोहम्मद हारून। में